दोस्तों क्या आपको पता है पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम किसी की भी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके साथ में अगर हम लोग जिम में भी वर्कआउट करते हैं तो अगर किसी को भी हमारी ताकत का अंदाजा लगाना होता है, जैसे हमारा जिम ट्रेनर है, अगर वो ये जानना चाहता है कि हमारी मसल्स कितनी स्ट्रांग है तो वो हमसे पुशअप्स लगाने को बोलता है। और अगर हम लोग आर्मी में, नेवी में या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाएं तो हर जगह पुशअप्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि पुशअप्स ही एक ऐसा वर्कआउट है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी और खास तौर पे आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि केवल पुशअप्स को लगा के आप ना केवल अपनी चेस्ट मसल्स बल्कि अपने ट्राइसेप मसल्स, अपने शोल्डर मसल्स और अपने कोर यानी एब्स मसल्स को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। आज के वीडियो में बहुत सारे वेरिएशन बताऊंगा पुशअप के, पुशअप लगाने का सही तरीका बताऊंगा आप लोग को जिससे आप अपनी अपर बॉडी को तेजी से स्ट्रांग बना पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जिम में जो हम लोग बेंच प्रेस करते हैं और जो घर में हम लोग वर्कआउट करते हैं पुशअप लगाते हैं, क्या दोनों में हमारी सेम मसल्स ग्रोथ होती है? तो आप लोग को मैं दिखा दूं, इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग घर में पुशअप लगाते हो या जिम में बेंच प्रेस करते हो दोनों में ही आपका लगभग सेम मसल्स ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब आप लोग घर पे वर्कआउट करके भी अपनी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। तो हमारा जो पहला पुशअप होगा वो होगा नॉर्मल पुशअप। अगर आप लोग नॉर्मल पुशअप लगा लेते हो इस तरीके से तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लगा पाते हो आप लोग तो आप लोग आज से ही इनक्लाइन पुशअप लगाना शुरू कर दो। मतलब आप लोग इनक्लाइन पुशअप दीवार के थ्रू लगा सकते हो या किसी ऊंची चीज पे अपना हाथ रख के लगा सकते हो। इनक्लाइन पुशअप थोड़ा सा आसान होता है नॉर्मल पुशअप से, जिस वजह से आप लोग इसे लगाने लगोगे तो आप लोग नॉर्मल वाला जो पुशअप है उसे भी बड़ी आसानी से लगाने लगोगे। अगर आप लोग ज्यादा पुशअप नहीं लगा पाते हो तो इसका यही रीजन है कि आप लोग का जो ट्राइसेप मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ट्राइसेप डिप्स लगा सकते हो जो आपके ट्राइसेप मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। कुछ इस तरीके से ट्राइसेप डिप्स को लगाया जाता है। उसी के साथ में जो हमारा पुशअप होगा जिसे हम डायमंड पुशअप बोलते हैं, डायमंड पुशअप लगा के अपने ट्राइसेप मसल्स को ग्रो कर सकते हो, साथ में आप अपने चेस्ट मसल्स को भी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की, जिस एक्सरसाइज को लगा के ना केवल आप अपने लेग्स मसल्स, अपने कोर यानी एब्स मसल्स को मजबूत बना सकते हो, साथ में आपके चेस्ट मसल्स तो ग्रोथ होने ही वाली है। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जिसमें हम अपने पैरों को सोफे के नीचे या बेड के नीचे इस तरीके से फंसा लेते हैं और इस तरीके से एकदम से नीचे गिरते हैं और झटके से पुशअप लगा के ऊपर आते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी अपर बॉडी तो ट्रेन होगी, साथ में आपके लेग्स यानी आपकी लोअर बॉडी भी ट्रेन होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पुशअप की, जो कि बहुत अच्छा पुशअप है हमारे ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए, जिसे हम बोलते हैं गैको पुशअप। इसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसे कहीं कहीं पे क्रोकोडाइल वॉक भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं चलते चलते पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारा पुशअप तो होता ही है साथ में हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमारी ओवरऑल मसल्स की ग्रोथ के लिए, पूरे शरीर की मसल्स की ग्रोथ के लिए यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसे भी परफॉर्म करके आप अपनी मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। देखिए जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में हमें यह ध्यान रखना होता है कि वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी में जो मसल्स ग्रोथ है वो होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा या फिर आप लोग वर्कआउट करने के बाद में सही से प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्कआउट के तुरंत बाद में आप लोग को हाई प्रोटीन वाला फूड लेना है जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ तेजी से हो पाए। और अगर आप लोग अपनी मसल्स ग्रोथ को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोग हिमालयन ऑर्गेनिक्स का ZMA यानी जिंक मैग्नीशियम एंड विटामिन B6 ले सकते हैं। अब ये करता क्या है, ये आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के साथ में आपकी स्लीप को मैनेज करता है। देखिए मैंने आपसे पहले भी ये बात बताई है कि जब भी हम जिम में वर्कआउट करते हैं तब हमारी मसल्स नहीं बनती है, एक्चुअली में तब तो हमारी मसल्स ब्रेक होती है, लेकिन जब हम सोते हैं, जब हम आराम करते हैं तब हमारी मसल्स बनती है। तो अगर आप लोग सही से नींद नहीं लोगे तो आपकी मसल्स ग्रोथ कैसे होगी? तो आपके लिए हिमालयन ऑर्गेनिक्स का ZMA बहुत जरूरी
जरूरी है जो आपकी नींद को प्रॉपर करता है, आपकी मसल्स ग्रोथ को बढ़ाता है, उसके साथ में आपकी मसल्स रिकवरी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। देखो जिम में हम मसल्स को तोड़ते हैं और जब हम घर में सोते हैं तो हमारी मसल्स रिकवरी होती है। जो हमने प्रोटीन खाया है वो बॉडी हमारी प्रोटीन को लेती है और हमारी मसल्स को रिकवर करने लगती है, हमारी मसल्स को रिपेयर करने लगती है, जिससे हमारी बॉडी बनने लगती है। हिमालयन ऑर्गेनिक्स का ZMA कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए इसका इस्तेमाल आप लोग कब कर सकते हैं, रात में सोने से आधे घंटे पहले अगर आप लोग इसके 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो नीड है जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 की वो पूरी करता है और आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं हिमालयन ऑर्गेनिक्स के ZMA का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने अगले वेरिएशन के पुशअप की, जिसे हम बोलते हैं डीक्लाइन पुशअप। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए डीक्लाइन पुशअप करना बहुत जरूरी है, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डीक्लाइन पुशअप में हम अपने पैरों को ऊंचाई पर रखते हैं और अपने हाथों को नीचे रख के कुछ इस तरीके से पुशअप को लगाते हैं। और अगर इसी पुशअप को आप लोग और ज्यादा हार्ड बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग लेग टाइड पुशअप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं अपने पैरों को बांध देते हैं और इस तरीके से पैरों को ऊंचाई पर रखकर और इस तरीके से पुशअप लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पैरों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे हमारी चेस्ट मसल्स पे ज्यादा फोकस पड़ता है, हमारे ट्राइसेप पे ज्यादा फोकस पड़ता है, जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप लोग पुशअप नहीं लगा पाते हो तो शुरुआत आप लोग घुटनों के बल पे करो। घुटनों के बल पे जब आप लोग पुशअप लगाने लगोगे उसके बाद धीरे धीरे आप लोग नॉर्मल पुशअप लगाओ और उसके बाद में आप लोग डिक्लाइन पुशअप लगाओ, इनक्लाइन पुशअप लगाओ, तभी आपकी मसल्स ग्रोथ सही से हो पाएगी। अगर आप लोग पुलअप्स नहीं लगा पाते हो और ये जानना चाहते हो कि पुलअप्स लगाना आप लोग को कैसे सीखना है, तो स्क्रीन पे इस समय जो वीडियो दिख रहा है इस पे क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें पूरे तरीके से बताया गया है कि पुलअप्स लगाना आपको कैसे सीखना है।